हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस के पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड। तो हम लोगों ने हिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर देखा था, जिसमें हम लोग चैप्टर देखे थे ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स में। हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके कुछ की पॉइंट्स, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ने से उसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डील करने में हम लोग को आसानी होगी। बीच बीच में हम यही बताए चलेंगे कि ये सब जो भी की पॉइंट्स है वो कहाँ कहाँ पर हम लोग को यूज हुए हैं और कहाँ कहाँ से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट की पॉइंट क्या है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट है कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु मेक मैप, मीन्स वो पर्सन जो मैप बनाता है उसको हम लोग कार्टोग्राफर बोलते हैं। राइट, जो पर्सन मैप का बनाता है, जैसे कि हम लोग एल एद्रिस के बारे में जाने थे, ठीक है, तो वो क्या थे, वो एक कार्टोग्राफर थे। ठीक है, जो भी पर्सन मैप के बारे में पढ़ता है, स्टडी करता है या फिर उसके बारे में मैप जानता है और मैप बनाता है उसको हम लोग कार्टोग्राफर बोलेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा फॉरेनर। फॉरेनर मीन्स आज हम लोग जनरली जानते हैं कि फॉरेनर मीन्स क्या होता है, कि जो अदर कंट्री से आया है उसको हम लोग फॉरेनर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि जिस टाइम का पीरियड का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मीन्स 700 टू 1750 के बीच का, उस टाइम फॉरनर वन विलेज टू अनदर विलेज जाते थे तो उनको फॉरनर ही बोला जाता था। ठीक है, एक गांव से या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाते थे तब भी उनको हम लोग फॉरनर ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज हम लोग का दूसरे कॉन्टिनेंट से या फिर दूसरे देश से जब तक कोई नहीं आता तब तक उसको हम लोग फॉरनर नहीं बोलते हैं। राइट, यहाँ वही चीज लिखा हुआ है, फॉरनर मीन्स सम वन हु इज नॉट एन इंडियन, मीन्स जो इंडियन नहीं है उसको हम लोग फॉरनर बोलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा आर्चिव। आर्चिव क्या होता है, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर, बड़ा ऐसा प्लेस जहां पर डॉक्यूमेंट और मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उसको हम लोग आर्चिव बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे आजकल टेक्निकल वर्ड है, ये टेक्निकल वर्ड में भी आर्चिव का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि किसी सेलुलर फोन में, ठीक है, या फिर कीबोर्ड का फोन जो होता था जिसमें हम लोग बटन टिप के इस्तेमाल करते थे, या फिर जीमेल में आप चले जाइए तो वहां पर भी हम लोग देखें कि वहां पर भी एक आर्चिव सेक्शन होता है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वहां पर सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर, उसको हम लोग बोलेंगे आर्चिव। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। अ वेरी ओल्ड बुक और डॉक्यूमेंट रिटन बाई हैंड, ठीक है, बहुत ही पुराना बुक या फिर कुछ भी दस्तावेज जो कि हैंड के द्वारा लिखा हुआ है, बाई हैंड लिखा हुआ हो, तब उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। राइट, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या था, तो वही बहुत पुराना बुक या डॉक्यूमेंट कुछ भी हुआ करता था तो उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट यूज में क्या आता था, तो उससे हम लोग को हेल्प मिलता था कि उस जमाने के मैंने पास्ट के बारे में जानने के लिए, या फिर आज हम लोग जो भी पास्ट के बारे में जानते हैं उससे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट के बारे हेल्प से ही बहुत सारे चीजों को जानते हैं, यदि वो बच पाए हैं अभी तक तो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन बिल्डिंग पिलर्स एंड रॉक एंड एडिक्ट्स, बोला कि एपिग्राफी क्या होता है, जो भी राजा हुआ करते थे या फिर वेल्दी पर्सन हुआ करते थे या फिर वहां के अपने किंगडम के बारे में जो भी कुछ लिखवाया करते थे, एडिक्ट करवाया करते थे, यानी कि पत्थर पर, पिलर पर या फिर बड़े बड़े रॉक पर, या वो जो भी कुछ, हाँ, बिल्डिंग पर लिखवाया करते थे, एडिट करवाया करते थे, या फिर सिंपल बोल सकते हैं वो गुदवाया करते थे, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ये एपिग्राफी है। राइट, ये एपिग्राफी में सिंपल समझिए कि जो भी रूलर्स अपने बारे में, अपने सक्सेस के बारे में या फिर अपने किंगडम के बारे में एडिक्ट करवाते थे तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इंस्क्रिप्ट एपिग्राफी है। राइट, न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, द स्टडी ऑफ क्वाइन बैंक नोट एंड इवन डेकोरेटिव मेडल, बोला स्टडी ऑफ जो क्वाइन होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ क्वाइन को या फिर मेडल के स्टडी को या फिर बैंक नोट के जो स्टडी करता है उसके बारे में जो पढ़ता है या फिर थोड़ा बहुत रिसर्च करता है उसको हम लोग न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक मीन्स जनरली आप कहीं भी देखेगा तो आपको मिलेगा स्टडी ऑफ क्वाइन। ठीक है, लेकिन आपको उसको डिटेल में जानने के लिए भी समझ सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ क्वाइन बैंक नोट्स एंड इवन डेकोरेटिव मेडल्स को हम लोग ही न्यूमिस्मेटिक्स बोल सकते हैं। राइट, खलीफा क्या है, सक्सेसर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद,
हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉम्पट मोहम्मद के बारे में, ठीक है। प्रॉम्पट मोहम्मद क्या थे कि वो एक सक्सेसर थे, ठीक है, उनको सभी लोग फॉलो किया करते थे, तो उनको जो भी फॉलो करता था उसको हम खलीफा पदवी दिया जाता था, पोस्ट दिया जाता था। जैसे कि हिंदू धर्म में आज क्या बोल सकते हैं आपके ब्राह्मण को माना जाता है, वैसे मुस्लिम धर्म में जो प्रॉम्पट मोहम्मद को फॉलो करते थे उनको खलीफा दिया जाता था। इसी में आगे चल के जब ये सब डिवाइड हुए मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म जब डिफरेंट में डिवाइड हुआ तब वो शिया और सुन्नी में बट गया, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। देखिए यहाँ दिया हुआ है शिया, शिया बिलीव इन द अली एज द लेजिस्मेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि शिया उसको बोला जाता है जो कि बिलीव करते हैं अली पर, ठीक है, जो कि वो मानते थे कि अली जो है हमारा वो लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी का, तो वो मानते थे कि लीडर जो होता है वो उसको हम लोग शिया के नाम से ऐसे कॉल कर सकते हैं। सुन्नी क्या है, तो बिलीव एंड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ खलीफा एंड सक्सेडिंग खलीफा, मतलब शिया जो होते थे वो खलीफा को फॉलो करते थे, मीन्स वो खलीफा को मानते थे, और ऐसे कह सकते हैं कि यानी कि उसमें जैसे क्रिश्चियन धर्म में पादरी होता है, हिंदू में ब्राह्मण होते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले जब वो डिवाइड हुए इस्लाम लोग डिवाइड हुए तो उसमें सिया और सुन्नी हुआ, ठीक है। तो सिया सुन्नी जब हुआ तो उसी में हमारा ये जो आया सक्सेडिंग ऑफ खलीफा, यानी खलीफा को जो मानते थे, यानी कि एक खलीफा फिर उनके बाद जो दूसरा आया फिर उनके बाद जो तीसरा आया उसी को हम लोग बोल सकते हैं वो सुन्नी, ठीक है। जो खलीफा के फॉलोअर्स को फॉलो करते थे वो सुन्नी, और जो अली के फॉलोअर्स को फॉलो करते थे उसको हम लोग सिया बोलेंगे, राइट। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड्स ईयर्स के, इसमें हमने इसको देखने के बाद गो थ्रू हम लोग जाएंगे क्वेश्चन आंसर पर, जिससे हम लोग को बहुत सारे और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।